यूपी के रामपुर में प्रधान और सेक्रेटरी की मिली भगत से रामपुर जिले में बिना प्रस्ताव के बिना जिला अधिकारी के अनुमति के करोड़ों रुपए के डस्टबिन प्राइवेट कंपनियों से खरीद लिए गए। ग्राम पंचायत में आए हुए पैसे का बड़ा दुरुपयोग किया गया है, जबकि हकीकत जाने तो किसी भी पंचायती राज में किसी तरह का कोई प्रस्ताव नहीं हुआ है डस्टबिन खरीदने का। उसके बावजूद भी प्रधान और सेक्रेटरी की मिली भगत से ग्राम प्रधान काफी तादाद में डस्टबिन खरीदने में लगे हैं और पैसा कमाने में लगे हैं। इस तरह रामपुर जिले में विकास कार्य के लिए आए सरकारी धन का करोड़ों रुपया निकाल लिया गया है। जो पैसा सरकारी खड़ंजा नाली निर्माण लगाया जाता था डस्टबिन खरीदने में ही लगा दिया गया। इस तरह रामपुर जिले में करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ है। आपको बता दें, जिस डस्टबिन की कीमत मात्र 2000 रुपए है, उसको 8400 रुपए में खरीदा गया है। आप देख सकते हैं कितना बड़ा फर्क है इस खरीद में। वही इस मामले में कुछ प्रधान ने तो बताया, डस्टबिन की इनको जवाब देना है मीडिया के लिए। नहीं, पेमेंट हमने किया है, लेकिन वहाँ पे ये शिकायत आ रही है कि पेमेंट ये 1000-2000 रुपए के हैं और आपने 8400 रुपए किए हैं। मतलब तो हमें तो पता नहीं कहाँ गए, आपको सम्मान नहीं है, पूरी जानकारी है आपको, और गड़े भी नहीं है। नहीं, जब तो हमने काटे हैं, लेकिन मेरे थाने बैठी हुई, इसमें मैं जवाब दे रहा हूँ, आप मेरे पास समझ लेना। अच्छा, जो चाय लिख के देते हैं, जो चाय लिख के देते हैं, हम कहेंगे हमें मीडिया हमें मतलब नहीं है, हमें मतलब नहीं है भैया, हमने तुमने चेक लिया तो उसका काम तो पूरा कराओ, है नहीं? ये जो आपको डस्टबिन दिए गए हैं पंचायत में, किसने दिए हैं, किसके आदेश पर रखे गए हैं? ये सब चंद्रपाल जी है जी, उनके आदेश से मिले हैं और उन्होंने ही भी चंद्रपाल जी ने कहा था कि हम जगह पड़ेंगे तो आपके यहाँ भी आ गए। ये तो ऐसे कैसे मतलब लगवा सकते हैं आप, क्योंकि जब ना तो डीएम का आदेश है ना किसी तरह, खाली आपके घर पे डाल गए तो आप लगवा देंगे। हमने तो ये समझ लिया कि स्वच्छता चल ही रही है मोदी जी के। कितने का एक जी ऐसा, इसका पेमेंट अभी तक नहीं हुआ है और हमारे यहाँ सिंगल पीस लगा है, इस वजह से हमने पेमेंट रोक रखा है। मुझे अंदर डबल पीस नहीं आता तब तक सिंगल का कैसे जी। ग्राम पंचायत अशोकपुर जी, अशोकपुर में 15 डिब्बे आए हैं जो कि 3 गांव काटे गए हैं। अच्छा, कितने का ही डिब्बा आपको पड़ा है? ये 8400 रुपए का एक डिब्बा दिया गया है। किसने दिया है? ये सेक्रेटरी के माध्यम से आए हैं। 8400 रुपए का एक डिब्बा दिया गया है, 8400 रुपए एक डिब्बे, दो डिब्बे हैं। क्या आपको लगता है इतनी कीमत है इन डिब्बों की? कीमत नहीं लगती है, आपको सब दुनिया जानती है, सब लोग जानते हैं कि क्या है। मगर आपने क्यों चेक काट दिया, क्यों इतना पैसा दे दिया आपने? अगले कोई माध्यम से कोई मंगाता है, कहते मेरे माध्यम से सामान आएगा तो मेरे माध्यम से आएगा, उसके माध्यम से आया वो चोरी कर रहा है, डकैती कर रहा है। हमने जान लिया, हम फौजी आदमी ईमानदारी पर काम करते हैं। ग्राम पंचायत अधिकारी की मिली भगत से लगाए गए? पूरे इलाके में दिए है उधम सिंह ने। उधम सिंह जी, ये बताओ, ये जो कितने चेक कितने का काटा आपने? मैंने 8400 रुपए का 8400 रुपए एक डिब्बा, मतलब 84000 रुपए कुछ का आपने पेमेंट करा है? 84000 का एक डिब्बा, 15-15, 120, मतलब 1,30,000 करीब है। एक अच्छा तो बोले, जो मैं कह रहा हूँ वो उसका काम वो अपनी मनमर्जी करना चाहता है, मनमर्जी कर रहे हैं। लेकिन हम प्रधान नहीं है, प्रधान सेक्रेटरी है, ये लोग सेक्रेटरी, हम प्रधान थोड़ी नहीं। तो आपने कैसे काट दिया? आप तो हमने ऐसे काट दिया, इन्हें प्रेशर मारा, दबाव मारते हैं कि तुम्हारा ये कर देंगे तो प्रधान सस्पेंड हो जाओगे, तुम प्रधान सस्पेंड हो जाएंगी। सामने से इतना बड़ा घोटाला दिख रहा है इसमें, उसके बावजूद भी जो है मतलब जबरन जो है आपने ले लिया, क्योंकि कोई भी विकास कार्य की नहीं, आप पहले उसको अप्रूवल करते हैं। हमारे पास जो लगा है पूरे क्षेत्र में लगे हैं, पूरे क्षेत्र में लगे हुए हैं, पूरे गाँव गाँव में लगे हुए हैं, जो मेरे यहाँ लगे हैं, लेकिन इन लोगों ने अपने माध्यम से। जिले के अंदर जो है गांवों में डस्टबिन दिए जा रहे हैं, तो वो आपके आदेश अनुसार दिए जा रहे हैं क्या? मैंने सभी सचिवों की बैठक ली थी, मेरे संज्ञान में ये इश्यू लाया गया था कि कुछ लोग अधिक रेट पर डस्टबिन कहीं से भी खरीद रहे हैं। तो मैंने सचिवों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि जो जेम पोर्टल पर रेट्स पर अवेलेबल सामग्रियाँ हैं, उन्हीं सामग्रियों को अधिकतम जेम पोर्टल रेट्स पर तय किया जाए। यदि इसका विचलन होता है तो सचिव और प्रधान दोनों खिलाफ कार्रवाई।
बहुत से पंचायतों में चेक भी कट गए 84,000 रुपए के लगभग 10 डस्टबिन के। आप कह रहे हैं मैंने जो बैठक की है, मुझे जो बताया गया है सिर्फ इस बैठक में मेजोरिटी में सचिव ने बताया कि साहब हमने डस्टबिन तय नहीं किया है, तो उनसे उन्होंने जब पूछा डस्टबिन तय के बारे में, हमने कहा डस्टबिन जो डेट जेम पोर्टल पे है उससे अधिक रेट पे नहीं होना चाहिए और किसी भी एरागैन से कंपनी से नहीं करेगा।